यस माहौल सरकार आ रहा है आपके सामने चैप्टर नंबर 22 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपील्स एंड रिवीजन शानदार टॉपिक आई होप मजा आ रहा है पढ़ने में आपको सरकार अपील्स एंड रिवीजन सर ये चैप्टर शुरू करने से पहले वो स्लाइड्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ लेक्चर की जो मैंने लेक्चर पढ़ाते वक्त आपको बताया था देखिए स्लाइड्स की तरफ सर सर सबसे पहला स्लाइड जो मैं लेके आया हूँ प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट क्या होता है सर थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं इसके रिगार्डिंग फिर आगे बात करते हैं देखिए सर सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट असेसी क्या करता है सेल्फ असेस करता है टैक्स पे करता है रिटर्न सबमिट करता है सर फिर डिपार्टमेंट को कोई क्वेरी होती है कुछ डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो क्या करता है डिपार्टमेंट या तो स्क्रूटनी करेगा स्क्रूटनी में कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई तो वो ऑडिट का ऑर्डर देगा या इंस्पेक्शन करेगा सर्च करेगा और उसमें अगर उसको लगता है मामला गड़बड़ था तो वो सर्व करेंगे आपको क्या शो कॉज नोटिस एज पर सेक्शन 73 और 74 जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फिर शो कॉज का रिप्लाई देगा एसएससी उसको पर्सनली का मौका दिया जाएगा उसके रिप्लाई को ध्यान में रखते हुए मैटर को एग्जामिन करेगा डिपार्टमेंट का ऑफिसर और फिर वो ऑर्डर पास करेगा और ऑर्डर जो पास करेगा इट में बी इन द फेवर ऑफ द एसएससी इट में बी अगेंस्ट द एसएससी ओके जो भी ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर एसएससी चाहे या तो टैक्स पे करे इंटरेस्ट पे करे पेनल्टी पे करे जो हमने बताई थी बेटा आपको क्लियर पर वो चाहे तो इसके अगेंस्ट अपील भी फाइल कर सकता है हम पढ़ रहे हैं क्या अपील का चैप्टर क्लियर ऑर्डर पास हो गया उसके बाद वो चाहे तो अपील फाइल कर सकता है या तो वो या डिपार्टमेंट दोनों में से कोई भी अपील कर सकता है बच्चों क्लियर और हाँ सर अपील वगैरह में हार गए या आपने अपील नहीं करी तब जाके होती है क्या रिकवरी क्लियर रिकवरी इज द लास्ट पॉइंट ओके बच्चों ये रिकवरी का पॉइंट भी हम पढ़ चुके अभी हम पढ़ रहे हैं क्या अपील अपील कौन कर सकता है बेटा या तो डिपार्टमेंट या एसएससी खुद ओके अब अपील कौन करेगा कैसे करेगा वो सिस्टम समझने से पहले हम एक बात और कर लेते हैं अभी सर सबसे पहली बात सर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का रैंकिंग क्या होता है सबसे पहला देखिए बच्चों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसमें इंडायरेक्ट टैक्स अब इंडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट किए एक तो है एडमिन डिपार्टमेंट एक है अपरेट डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट का नाम है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसमें हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो कौन है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर देन उसका लेवल डाउन होगा तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर देन ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर देन असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर और उसके बाद सुपरिंटेंडेंट और उसके बाद लोअर अथॉरिटी आती है इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर एटसेट्रा पर सर द लोएस्ट अथॉरिटी हु इज द पावर टू इश्यू द ऑर्डर इज द सुपरिंटेंडेंट और हाँ सर ध्यान देना बेटा एनी अथॉरिटी हु इज द पावर टू इश्यू द ऑर्डर अंडर द एक्ट क्लियर उसको बोलते हैं क्या एडजुकेटिंग अथॉरिटी और एडजुकेटिंग अथॉरिटी होती है कौन ये प्रिंसिपल कमिश्नर से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक ये सारे लोग कौन है बेटा एडजुकेटिंग अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं विद इन देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन ओके अब इनके अगेंस्ट अगर आपको कोई इन्होंने जो ऑर्डर पास किया इसके अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो कहाँ जाएंगे आप एपिलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे और फिर GSTAT क्लियर और उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब उसका सिस्टम क्या है आ गए हम अपील चैप्टर में मैंने कनेक्ट कर दिया टॉपिक आपके लिए आ गए हम कहाँ अपील के चार्ट में दिल थाम के देखेगा ये वही चार्ट है जो हमने लेक्चर पढ़ते वक्त देखा था सर जिन्होंने लेक्चर नहीं भी पढ़ा हो मेरा वो भी चार्ट देखे जल्दी से अपील चैप्टर समझ पाएंगे दिल थाम के सुनेगा शानदार पॉइंट मजा आ जाएगा सर आपको सर सबसे पहला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो ये कौन है अपीलेट अथॉरिटी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो कहाँ जाएंगे हम GSTAT के पास जाएंगे उसके अगेंस्ट जाना है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो देखते जल्दी से सर देखना ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वही मैटर जाएंगे विच इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ देखना ना जो येलो मार्क कर रहा हूँ वो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ क्लियर उस सिक्वेंस में यहाँ चार्ट जिस तरह से बनाया वो उसमें जो जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ वो येलो मार्क कर रहा हूँ दिल थाम के देखिए बेटा सर एक एक पॉइंट कवर करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास गए उसके बाद GSTAT देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट अच्छा सुप्रीम कोर्ट में वही मैटर जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वही मैटर जाएंगे विच इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब GSTAT जो हो गया वो कौन है फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर हुआ तो GSTAT ने जो ऑर्डर पास कर दिया वो फाइनल है उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं होती है अब GSTAT में भी दो बेंच होती है नेशनल बेंच और रीजनल बेंच और सेकेंड है क्या स्टेट बेंच और एरिया बेंच ध्यान रखना अगर आपके केस में अगर इवन इफ अ सिंगल इश्यू इज रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई इवन इफ अ सिंगल इश्यू इज रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपके केस में सर अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील जो जाएगी वो नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के पास जाएगी पर अगर आपके केस में एक भी इशू प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं है तो योर अपील शैल लाई टू
स्टेट बेंच और एरिया बेंच बेटा। हाँ है ना बेटा, अब सर ध्यान रखना, स्टेट बेंच और एरिया बेंच जो जीएसटीटी का बेंच है उसके अगेंस्ट अगर अपील करना है तो हाई कोर्ट जाएगा, पर अगर नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के अगेंस्ट अपील करना है तो डायरेक्टली मैटर विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, वहाँ हाई कोर्ट नहीं आता है बच्चों, क्लियर। और हाँ, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट अगर जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो बच्चों, क्लियर। पर हाँ, नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते बेटा, क्लियर। डायरेक्टली आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब सर बात करते हैं हम टाइम लिमिट टू फाइल द अपील। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील? अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट अपील करना है अपील अथॉरिटी को, तो टाइम लिमिट टू फाइल द अपील बाय द असेसी इज 3 मंथ। पर अगर असेसी लेट हो गया तो अपलेट अथॉरिटी चाहे तो रीजनेबल ग्राउंड था तो 1 महीने तक के डिले को कंडोन कर सकता है, तो 3 महीने प्लस 1 महीना। डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया और उसको सर कमिश्नर ने रिव्यू किया और पता पड़ा कि उस ऑर्डर में मामला गड़बड़ है। टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ द केस, कमिश्नर को पावर दिया कि उसके ज्यूरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने जो भी ऑर्डर पास किया उसको वो रिव्यू कर सकता है। रिव्यू के टाइम पता पड़ा कि मामला गड़बड़ है, ऑर्डर अगेंस्ट द डिपार्टमेंट पास हुआ, सही पास नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में वो अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करवाओ। और अगर अपील किया है डिपार्टमेंट ने तो कितने में अपील कर सकता है? विद इन 6 मंथ। जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके 6 महीने में अपील हो जाएगी। और अगर लेट हो गया डिपार्टमेंट तो अगेन डिपार्टमेंट को 1 महीने का डिले कंडोन कर सकता है अपलेट अथॉरिटी बेटा। ओके, अब अपलेट अथॉरिटी के पास अपील चली गई, अब अपील गई, उसने अपील का ऑर्डर पास किया, अपील का जो ऑर्डर पास किया उसके बाद सर अगर आपको जाना है कहा जीएसटीएटी तो टाइम कितना है? 3 मंथ का टाइम है बेटा। असेसी के पास 3 महीने का वक्त है, पर अगर असेसी लेट हो गया तो 3 महीने के डिले को कंडोन अप टू 3 मंथ तक का डिले कंडोन कर सकता है जीएसटीएटी अगर रीजनेबल रीजन था असेसी के पास तो। पर यही डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट की टाइम लिमिट टू फाइल द अपील इज 6 मंथ। कितना बेटा? 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट अपील कर सकता है टू द जीएसटीएटी, पर उसके बाद अगर लेट हो गया तो कोई डिले को कंडोन करने का पावर जीएसटीएटी के पास नहीं है अगर अपील फाइल कर रहा है कौन? डिपार्टमेंट, क्लियर, डन। अच्छा, जीएसटीएटी के स्टेट बेंच या एरिया बेंच ने कोई ऑर्डर पास किया उसके 180 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट के अंदर अपील करनी पड़ेगी, भले वो एसएससी हो या डिपार्टमेंट हो। और सुप्रीम कोर्ट को अपील फाइल करने का टाइम लिमिट हमारे एक्ट में नहीं दे रखा है, उसके रेस्पेक्टिव एक्ट में बात कही बेटा। ओके, ये होगी टाइम टू फाइल द अपील। नाउ ध्यान रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोल दिया क्या, अपीलेट अथॉरिटी के पास जब अपील करेंगे, अपील अथॉरिटी मतलब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बेटा, यहां जब अपील करेंगे तो यहां पे आपको अपील करते वक्त अपील का प्रिस्क्राइब फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, प्लस आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये प्री डिपॉजिट कितना है बेटा? 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, ओनली अमाउंट ऑफ टैक्स, क्लियर। आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स, अच्छा जो अपना जो मैटर को आप एक्सेप्ट कर चुके हो जिसपे डिस्प्यूट नहीं है वो तो पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा कराओ बेटा। जो अमाउंट इन डिस्प्यूट है उसमें टैक्स का अमाउंट जो होगा उसका 10% आपको प्री डिपोजिट करना पड़ेगा, बट दिस 10% कैन नॉट एक्सीड 25 करोड़ इन केस ऑफ सीजीएसटी बेटा। तो 25% सीजीएसटी, 25% एसजीएसटी, अपने को 25 करोड़ याद करना है सीजीएसटी के लिए। अच्छा, आईजीएसटी का इशू हुआ तो 50 करोड़ लिमिट हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना, क्लियर। तो टैक्स अमाउंट का 10% और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर इन केस ऑफ आईजीएसटी। सुना बच्चों, प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। ये प्री डिपॉजिट है, केस जीत जाओगे तो रिफंड मिल जाएगा। ओके सर, सेकंड केस, अगर आप जीएसटीटी को अपील कर रहे हो अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय अपलेट अथॉरिटी तो अगेन यू हैव टू मेक अ प्री डिपॉजिट ऑफ 20% ऑफ टैक्स अमाउंट, 20% ऑफ टैक्स अमाउंट। बच्चों ध्यान रखना, टैक्स इन डिस्प्यूट जो होगा जिसके लिए आप अपील कर रहे हो उसका एडिशनल 20% है, पहले जो जमा करा सके उसको इग्नोर करने का, भले ही पहले जमा कराया नहीं कराया कोई कंसर्न नहीं है। अगर एसएससी अपील कर रहा है जीएसटीटी में तो उसको जितना अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व उसका 20% एडिशनल और प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, बट दैट शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़, मैक्सिमम 50 करोड़ इन अ पर्टिकुलर केस, क्लियर। आईजीएसटी हुआ तो 100 करोड़ हो जाएगा बेटा, प्री डिपॉजिट का अमाउंट है ये। ओके सर, ध्यान देना बेटा, ये प्री डिपॉजिट करोगे तो ही आपकी एप्लीकेशन फॉर अपील एक्सेप्ट होगी, नहीं तो अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, ये कंपल्सन है बेटा आपके लिए अमाउंट जमा कराना प्री डिपॉजिट अगर एसएससी अपील कर रहा है तो। ओके सर, ध्यान देना बेटा, अब आपने ध्यान, अच्छा मैंने आपको बताया कि 10% ऑफ टैक्स या 20% ऑफ टैक्स है बेटा, पर अगर मैटर केवल डिस्प्यूट जो है वो केवल किसका है? पेनल्टी का है बेटा, केवल पेनल्टी का डिस्प्यूट है। अच्छा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तीनों को डिस्प्यूट है तो भी टैक्स का ही 10% या 20% जमा कराना, पर अगर डिस्प्यूट जो है वो केवल और केवल किसका है? पेनल्टी का ही है, तो फिर पेनल्टी का 10% या 20% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्लियर, अगर आप अपील में जा रहे हो तो। ओके सर, ये बात होगी क्या, टाइम लिमिट और एडिशनल आपको सॉरी प्री डिपॉजिट कितना करना है उतना। ओके, अब सर ये बोल दिया है अपीलेट अथॉरिटी हो या जीएसटीटी हो, इन दोनों को बोल दिया है कि जब तुम्हारे पास अपील आएगी उसके एक साल के अंदर कोशिश करना कि ऑर्डर पास कर दो। अच्छा, कंपल्सन नहीं है, इनको बोल दिया 1 ईयर में, इफ पॉसिबल एज फार एज पॉसिबल अपलेट अथॉरिटी विल डिस्पोज ऑफ द केस विद इन 1 ईयर। सेम इज द केस ऑफ द जीएसटीटी, दे विल ट्राई के टू डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन 1 ईयर इफ पॉसिबल बच्चों। ओके सर, ध्यान देना बच्चा, एक और सर्कुलर जो इस पर एड हुआ है
नवंबर 20 है उसके बाद वाले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, पर कोई खास बात है एडवी सिंस मद्रास हाई कोर्ट का एक केस में जजमेंट आ गया जिसकी वजह से अपलेट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर दिया और उसको स्टे लगा दिया कि अभी अपलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। तो कई सारे स्टेट में अभी भी जीएसटीटी का जो बेंच है वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूट हुआ ही नहीं है। तो साहब जो 3 महीने में अपील करनी है एसएससी को या 6 महीने में डिपार्टमेंट को अपील करनी है तो 6 महीने 3 महीने तो निकल जाएंगे सब, अब ट्रिब्यूनल बनाई नहीं तो अपील क्या करेंगे। तो इसलिए वहां पे डिफिकल्टी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी का स्पेशल ऑर्डर यूज करके पावर यूज करके उन्होंने डिपार्टमेंट ऑर्डर इश्यू कर दिया और बोल दिया क्या ये 6 महीने या 3 महीने का जो टाइम देखना है ट्रिब्यूनल के केस में जीएसटीटी के केस में वो 3 महीने या 6 महीने कब से देखेंगे बेटा, जिस दिन से आपको ऑर्डर सर्व हुआ है वहां से 3 महीने 6 महीने, या फिर जिस दिन प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट ऑफिस एंटर करता है जीएसटीटी का उस दिन से 3 महीने 6 महीने बीच इज लेटर बेटा, मतलब ऑर्डर सर हो गया वो दिन या फिर जिस दिन प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफिस ज्वाइन करेगा ऑफिस एंटर करेगा वहां से विच एवर इज लेटर वहां से 3 महीने 6 महीने का टाइम दे दिया गया बेटा। सो दैट ये इनिशियली जब तक ये ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ तब तक एसएससी या डिपार्टमेंट को लॉस नहीं हो कि वो अपील का टाइम निकल जाए फिर अपील कर नहीं पाएगा वो, इसलिए इस टाइम लिमिट को बोल दिया कि जिस दिन वो प्रेसिडेंट ज्वाइन करेगा ऑफिस वहां से आपको 3 महीने 6 महीने का वक्त मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। ओके सर अब आ रहा है क्या रिविजनरी अथॉरिटी, बच्चों ध्यान रखना अगर अगर कोई भी एडिटोरियल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है और वो अगेंस्ट द डिपार्टमेंट है तो सर कमिश्नर की शिकायत करने पर या रिविजनल अथॉरिटी ऑन हिज ओन मोशन क्या कर सकता है उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, पर ऑर्डर को रिवाइज करने का टाइम कितना है 3 साल, जिस दिन उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया एसएससी के फेवर में मतलब अगेंस्ट द डिपार्टमेंट तो उसके 3 साल तक खुशियां नहीं मनानी बेटा, 3 साल में कभी भी डिपार्टमेंट क्या कर सकता है उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है रिविजनरी अथॉरिटी। और हाँ पर फर्स्ट 6 महीने सिंस डिपार्टमेंट को पावर की 6 महीने में अपील कर सकता है अपील अथॉरिटी को, इसलिए फर्स्ट 6 महीने जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसके 6 महीने तक वो रिवाइज नहीं करेगा, उसके बाद आने वाले 2.5 साल जो और होंगे उसके पास 6 मंथ तक तो वो नहीं कर पाएगा, उसके बाद जो 2.5 ईयर उसके पास और होंगे तब तक वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। पर हाँ रिविजनरी अथॉरिटी को बोल दिया है कि तुम एक बार अगर किसी मैटर को तुमने टेकअप कर दिया और बाद में छोड़ दिया तो बाद में वापस से उस मैटर को टेकअप नहीं कर पाएंगे। सेकंड सर अगर किसी मैटर को एक बार रिवाइज कर दिया तो बाद में रिवाइज नहीं हो पाएगा। थर्ड केस अगर 3 साल एक्सपायर हो गए तो उस पर रिवाइज नहीं हो पाएगा और अगर 6 महीने एक्सपायर नहीं हुए अब तक तब तक रिवीजन नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट सर अगर कोई मैटर ऑलरेडी अपील में चल रहा है तो उसको रिवीजन नहीं अथॉरिटी पास पावर नहीं कि उसको रिवाइज कर दे बेटा। पर हाँ अगर किसी केस में 5 इशू थे उसमें से 3 मैटर रिवीजन अथॉरिटी 3 मैटर गए अपील में बाकी 2 मैटर अपील में नहीं गए तो उन 2 मैटर के लिए रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन कर सकता है, क्लियर। बाकी 3 मैटर जो ऑलरेडी अपील में चल रहा है उसके लिए कभी भी रिवीजन ना हो पाएगा और ये रिवीजन अथॉरिटी मैटर को टेकअप तभी करेगा व्हेन द ऑर्डर वॉज पास्ड अगेंस्ट द डिपार्टमेंट मतलब इफ देर इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू बेटा, क्लियर डन। ओके अब रिविजनल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो अगेन क्या जाएंगे जीएसटीटी जाएंगे बेटा। अब जीएसटीटी जाएंगे टाइम कितना है वही जो नॉर्मल जीएसटीटी को अपील करने का टाइम है वही 3 महीने प्लस 3 महीने एसएससी के केस में डिपार्टमेंट केस में 6 महीने प्लस 0, क्लियर अपील करना पड़ेगा बेटा। ओके अगेन ध्यान रखना एसएससी अगर अपील कर रहा है तो 20% प्री डिपॉजिट 20% ऑफ द टैक्स अमाउंट क्या है प्री डिपॉजिट बेटा याद है आपको बेटा और ₹50 करोड़ विच एवर इज लोअर। ओके सर ध्यान ना रिविजनरी अथॉरिटी अपॉइंट हो गई है जुलाई 20 एग्जाम है वो ये लाइन इग्नोर करना जो मैं बोल रहा हूँ पर नवंबर 20 है उसके बाद अगर आपके एग्जाम से तो सर रिविजनरी अथॉरिटी अपॉइंट हो गई है अपॉइंट क्या हुई थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको बेटा। ओके सरकार आइए अब बात कर लेता हूं मैं क्या अगर कभी जीएसटीटी ने कोई ऑर्डर पास किया किसने ऑर्डर पास किया सर जीएसटीएडी ने कोई ऑर्डर पास किया और अगर उस ऑर्डर में कोई मिस्टेक है विच इज अपॉइंट ऑन द रिकॉर्ड इफ द मिस्टेक इज अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड तो GST-AT उस ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है पर रेक्टिफिकेशन हैज टू बी डन विद इन 3 मंथ। ध्यान ना आपने एडवांस रूलिंग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है उस एडवांस रूलिंग में था 6 महीने के अंदर वो रिवीजन कर सकता है बेटा रेक्टिफाई कर सकता है सॉरी यहां पर रेक्टिफिकेशन मिस्टेक का पावर दिया है पर रेक्टिफिकेशन मिस्टेक का जो पावर है वो 3 महीने के अंदर उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा मिस्टेक शुड बी अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड एंड सर वहां पे रीएप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस इन डेप्थ में जा रहा है एविडेंस के वो नहीं होना चाहिए इट शुड बी अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ओके अब सर एक और बात GST-AT के पास कभी भी कोई एप्लीकेशन जाती कोई भी अपील जाती है तो सबसे पहले वो रेस्पोंडेंट को क्या करेगा एक लेटर इश्यू करेगा कि आपके इस केस में इन ग्राउंड पर इन मैटर पे हमारे को अपील आई है क्या आपको अपने कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करने हैं उसको बोलते हैं क्या मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन और दैट मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन उस डिफेंडेंट को और रेस्पोंडेंट को सबमिट करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 45 डेज। जब वो उसको लेटर रिसीव हुआ उसके 45 डेज में उसको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करना पड़ेगा अगर वो रेस्पोंडेंट लेट हो गया तो ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको अगर रीजनेबल केस है तो 45 डेज का टाइम और दे सकता है उसके बाद उसको टाइम नहीं मिलेगा। ये सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया ये बात खत्म होती है। अब कुछ बातें और है बेटा सुनना बच्चों ध्यान से पॉइंट ये अगर मान लो अगर कभी
आपने किसी मैटर पे अपील करी है, अगर किसी मैटर पे आपने अपील करी या डिपार्टमेंट ने अपील करी, सुनना इधर ध्यान, सर सर भी आवाज आ रही है, सुनना ध्यान से, अगर डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी है, उसकी आवाज आ रही है मेरे को सर, अगर ओके ओके सुनना ध्यान से, अगर कभी भी, अगर आपने कभी भी लोअर अथॉरिटी लेवल पर कोई एविडेंस सबमिट किया तो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया, पर अगर अगर ध्यान देना, अगर आप हायर लेवल पे गए, अपील में गए, तो क्या अपलेट ट्रिब्यूनल या अपलेट अथॉरिटी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर सकता है क्या? सुनना वापस ध्यान से, एनी एविडेंस विच वर नॉट सबमिटेड एट लोअर अथॉरिटी लेवल, क्या अपलेट अथॉरिटी या जीएसटीडी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। हाँ जी सर ध्यान देना, एडिशनल एविडेंसेस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अपलेट ट्रिब्यूनल और अपलेट अथॉरिटी एक्सेप्ट इन फॉलोइंग फोर केस, चार केस में ही एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं तो कभी नहीं। फर्स्ट, अगर आपने एविडेंस दिए थे डिपार्टमेंट को, डॉक्यूमेंट दिए थे पर उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सेकंड सर, उन्होंने आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बींग हर्ड दी नहीं। थर्ड, उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए थे लोअर अथॉरिटी ने आपसे पर आप नहीं दे पाए ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल। एंड फोर्थ, आप आगे होके एविडेंस या डॉक्यूमेंट दे रहे थे, उन्होंने मंगाए नहीं, आप आगे होके दे रहे थे पर आपने नहीं दे पाए ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल। ये चार केस में अगर कोई भी केस अगर आपने प्रूव कर दिया तो अपलेट अथॉरिटी या जीएसटीटी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो कभी भी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा डिपार्टमेंट के ये अपलेट अथॉरिटी बेटा, क्लियर? पर अगर ये चार केस थे तो एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर ये इन्होंने एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट किए तो सबसे पहले उस लोअर अथॉरिटी को ये एविडेंस दे जाएंगे कि मैंने एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया, अब तेरे को कुछ बोलना है इसके अगेंस्ट तो बोलो, टू रिवर्ट द एविडेंस उनको ये डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे बेटा, क्लियर डन। अब सर बात आती है क्या नेक्स्ट, कि कौन अपलेट अथॉरिटी हो सकता है? ध्यान देना बेटा, अपलेट अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया गया, जी हाँ, अपलेट अथॉरिटी कौन होगा? नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम, अपलेट अथॉरिटी कौन होगा? कमिश्नर ऑफ अपील्स। पर हाँ, अगर ऑर्डर पास किया किसने? जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने, तो अपलेट अथॉरिटी उनके ऑर्डर के रेस्पेक्ट में होगा, कमिश्नर ऑफ अपील्स। पर अगर ऑर्डर पास किया लोअर अथॉरिटी ने, मतलब सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर ने, तो उसके लिए जो अपलेट अथॉरिटी होगा वो होगा कौन? एनी ऑफिसर विच विल बी अपॉइंटेड बाय सीबीआईसी बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स, क्लियर? जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स के पास अपील जाएगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर पास बाय डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिंटेंडेंट बेटा। पर अगर ऑर्डर पास किया किसने? जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, तो ऐसे केस में अपील जाएगी कमिश्नर अपील पे। पर हाँ ध्यान रखना, जॉइंट कमिश्नर अपील ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट अपील डायरेक्ट जाएगी का जीएसटीडी, उसके अगेंस्ट अपील कमिश्नर अपील के पास नहीं जाएगी बेटा, क्योंकि वो भी कौन है? अपीलेट अथॉरिटी। और अपीलेट अथॉरिटी भले कमिश्नर अपील्स हो या जॉइंट कमिश्नर अपील्स हो, अपील हमेशा जाएगी का जीएसटीडी के पास बेटा, क्लियर डन। अब सर सेम वे रिविजनरी अथॉरिटी भी अपॉइंट हो गई है। अभी जो बात कर रहा हूँ, रिविजनरी अथॉरिटी अपॉइंट कौन हुई है? ये नवंबर 20 है, उसके बाद जो एग्जाम होंगे उसके लिए रिलेवेंट है, जुलाई के लिए रिलेवेंट नहीं, एक लाइन कोई खास बात नहीं है। रिविजनरी अथॉरिटी जो ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है कौन है? सेम वे जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो उसको रिवाइज कर सकता है कौन? प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। देखो वो अपील नहीं है इसलिए वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, यहाँ पे अपील वाले हैं इसलिए अपीलेट अथॉरिटी बेटा, ओके। और सर अगर ऑर्डर पास किया है डेप्यूटी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने या सुपरिंटेंडेंट ने, तो सर उसके लिए रिविजनरी अथॉरिटी कौन है? सर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, इनको अपॉइंट कर दिया एज अ रिविजनरी अथॉरिटी बेटा। अरे हाँ है ना बच्चों, क्लियर? एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर रिविजनरी अथॉरिटी होंगे अगर ऑर्डर पास किया है असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर या सुपरिंटेंडेंट ने, और अगर जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर रिविजनरी अथॉरिटी होंगे जो उनके ऑर्डर रिवाइज कर सकते बेटा, क्लियर डन। आइए एक दो पॉइंट और पढ़ लेते बेटा। सर सबसे पहली बात ध्यान रखना, अपलेट अथॉरिटी को रिमांड द केस पे क्या होता बेटा, कि जैसे सर आपने जीएसटीटी को शिकायत करी कि लोअर अथॉरिटी ने आपके केस को ढंग से देखा ही नहीं, सारे एविडेंस देखे ही नहीं, तो सर जीएसटीटी के पास पावर है कि उस लोअर अथॉरिटी को बुला के बोलेगी, फाइल फेंक देगी मुंह पे और बोलेगी ढंग से केस करके लेके वापस, ढंग से केस को असेस करके वापस है, क्लियर? तो ये पावर रिमांड द केस पे का पावर जीएसटीटी के पास होता है, पर अपलेट अथॉरिटी के पास रिमांड द केस पे का पावर नहीं है। उसको लगता है मामला सही नहीं असेस किया है तो खुद असेस कर दे, कोई दिक्कत नहीं, पर वो रिमांड द केस पे नहीं कर सकता है। देन सर आती बात क्या, मॉनिटरी लिमिट फॉर जीएसटीटी बेटा, ध्यान रखना, अगर अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिला के अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट इज अप टू ₹50,000, तो जीएसटीटी के पास पावर है कि वो चाहे तो अपील को रिजेक्ट कर दे, वो चाहे तो अपील को रिजेक्ट कर दे, अपील एक्सेप्ट ही नहीं करे। और हाँ एक और बात आती मॉनिटरी लिमिट की, हाँ बोला है क्या सर, मिनिमम टू मेंबर बेंच होता है बेटा, भले वो ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, पर ट्रिब्यूनल के लिए बोल दिया कि अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो डिस्प्यूटेड बेटा जो अपील में है वो अप टू ₹5,00,000 है, तो इवन अ सिंगल मेंबर बेंच, इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द केस, अदरवाइज मिनिमम टू मेंबर बेंच तो रिक्वायर्ड है बेटा, क्लियर? समझे मेरी बात, ये मॉनिटरी लिमिट की बात हो गई बेटा आपकी, ओके। अब सर कुछ पॉइंट और बाकी है हमारे इस चैप्टर के, वो भी हम देख लेते हैं। सुनो बच्चों ध्यान से,
अभी मेरी तरफ, अब स्लाइड की तरफ नहीं बेटा, अभी मेरी तरफ देखो सर, पॉइंट है नेक्स्ट क्या सर, ये लगभग लगभग मैंने अपील के सारे पॉइंट आपको कवर कर लिए, सारे लगभग पूरा चैप्टर कवर हो गया है। अब सर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है बेटा, आपका रेगुलर एम्प्लॉय हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो सकता है सर, प्रैक्टिसिंग CA CS CMA हो सकते हैं बच्चों, या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है जिसने मिनिमम 2 ईयर के लिए काम किया हो बेटा, नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ गजेटेड ऑफिसर इन द ग्रुप बी। देन जीएसटी प्रैक्टिशनर भी आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है बच्चों। ओके, अब ध्यान रखना बेटा, अगर कोई भी ऑफिसर हु इज रिटायर्ड और रिजाइन आफ्टर सर्विंग मोर देन 2 ईयर्स इन इंडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, तो ऐसे केस में अगले 1 साल तक वो किसी का भी AR नहीं बन सकता बेटा। देन अगर ध्यान देना बच्चों, अगर किसी पर्सन को डिसमिस कर दिया है या रिमूव कर दिया फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, या एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर GST एक्ट और एनी इंडायरेक्ट टैक्स लॉ जो एक्साइज सर्विस टैक्स है उसमें, या फिर एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बाय द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, तो ऐसे केस में इन पर्सन को ये पर्सन क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये किसी के भी AR नहीं बन पाएंगे। देन सर अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, तो जब तक उसकी इंसॉल्वेंसी कंटिन्यू होती है तब तक वो किसी का भी AR नहीं बन सकता है, और अगर SGST एक्ट में कोई डिस्क्वालीफाइड है तो वो CGST के लिए भी डिस्क्वालीफाई रहेगा बेटा, क्लियर, एंड वाइस वर्सा। ओके सर, देन आता है क्या, हाई कोर्ट का अपील कर रहे हो तो मैंने बात कर ली आपसे, सुप्रीम कोर्ट का अपील करनी है, किन किन सुप्रीम कोर्ट का अपील कहाँ कहाँ जाएगी बेटा, एक तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाएगी, एक नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के अगेंस्ट जाएगी अपील बेटा, क्लियर। ओके सर, देना क्वेश्चन ऑफ लॉ पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही मैटर को डिस्पोज ऑफ करेंगे बेटा। ओके, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो ही मैटर जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बेटा। ओके सरकार, ध्यान देना बच्चों, सर अब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपील कर रहे हो तो जो अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट था, जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी था, वो आपको पहले जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील एक्सेप्ट करेगा। पर हाँ, रीजनेबल केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, आपको स्टे अलाउ कर देता है और आपकी अपील एक्सेप्ट कर देगा। और लास्ट दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 120 और 121, सुनो बच्चों ध्यान से, सेक्शन 120 बोलता है अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। सर मान लो आपके फेवर में, आपके असेसी के फेवर में कोई ऑर्डर पास हो गया और डिपार्टमेंट को वो मैटर एक्सेप्टेड नहीं है, तो डिपार्टमेंट चाहे तो उसके अगेंस्ट फर्दर अपील कर सकता है बेटा, पर CBIC को पावर दे रखा है कि वो डिपार्टमेंटल अपील के लिए कुछ मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकता है, जो अब तक सर्कुलर नहीं आया इसके रिगार्डिंग, कोई मॉनेटरी लिमिट अब तक फिक्स नहीं, पर वो चाहे तो फिक्स कर सकता है, और वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि मिनिमम इतना अमाउंट या उससे ऊपर जाए अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, तो ही अपील करना हायर अथॉरिटी को, नहीं तो छोड़ देना मैटर को। और अगर ऐसे किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की वजह से डिपार्टमेंट किसी मैटर पर अपील फाइल नहीं कर पाया, तो असेसी कैन नॉट कंटेस्ट कि दिस मैटर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट। फ्यूचर में अगर कभी भी अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट बड़ा हो जाता है, और फ्यूचर में अगर सेम मैटर पे अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट बड़ा हो गया और डिपार्टमेंट अगर बाद में उसको शो को देता है, ऑर्डर इश्यू करता है, तो असेसी कैन नॉट कंटेंट कि एक बार आपने मैटर एक्सेप्ट कर लिया, अब बाद में बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऐसे केस में मॉनेटरी लिमिट की वजह से डिपार्टमेंट ने पहले अपील फाइल नहीं करी थी, अब वो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, उसको वापस शो को देके फ्यूचर पीरियड के लिए अगर अमाउंट बड़ा इन्वॉल्व होता है तो फ्यूचर पीरियड के लिए डिस्प्यूट वापस से रेज कर सकता है। और सर ऐसे केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल और जो अपीलेट अथॉरिटी, उसको बोल दिया कि ऐसे केस में अगर डिपार्टमेंट कभी अपील करे तो यू कैन नॉट रिजेक्ट द अपील, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्लियर जो मैटर हमने छोड़ा था, हमारा इंटेंशन एक्सेप्ट करने का नहीं था, हम बाउंड थे मॉनेटरी लिमिट की वजह से, जिसकी वजह से हमने अपील फाइल नहीं करी बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात, डन। आइए लास्ट सेक्शन, सेक्शन 121, नॉन अपीलेबल डिसीजन और ऑर्डर। सर चार केस जिनके केस में कभी अपील नहीं हो सकती है, ये कोई भी अपील नहीं कर पाएगा। फर्स्ट, इन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, सर आपकी फाइल शिफ्ट कर दी एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर, यू कैन नॉट अपील। सेकंड, एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट। देन एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। और लास्ट सर, एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन नंबर 80, दैट इज पेमेंट इन EMI। सर आपको EMI के लिए, मैंने बताया आपको, अगर आपने EMI के लिए अप्लाई किया कि साहब रिकवरी हो रही है, आप पे करने के लिए तैयार हो, मैक्सिमम 24 मंथली इंस्टॉलमेंट आपको अलाउ कर सकता है कमिश्नर, पर उसने मना कर दिया, तो यू कैन नॉट अपील, या उसने कम EMI दी, यू कैन नॉट अपील बेटा, क्लियर। ये चार केस ऐसे है जो नॉन अपीलेबल है, इनके केस अपील फाइल नहीं होती है। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप पूरा चैप्टर समझ में आया, माहौल बन गया सर जबरदस्त, बी एनर्जेटिक। और सर आपके कमेंट्स मैं देखता रहता हूँ रेगुलर बेस पे, आपकी जो क्वेरीज होती है मैं देखता रहता हूँ, और उनको मैं डाउट सेशन में सोल्व कर दूंगा सर, जो लाइव डाउट सेशन होंगे। तो आपको अगर कोई पॉइंट में कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको लेक्चर कैसा लगा, माहौल तो माहौल आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, और आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं सर। ध्यान देना, आपको मुझे एग्जाम्स और एग्जाम्स के बाद भी सर लड़ना सिखाना है,
पढ़ाई के साथ आपका जो राइटिंग पेपर होता है, आपको जो पेपर लिखना है, आपकी कम आपकी जो पेन है वो आपका हथियार है, ध्यान रखना। सो बी एनर्जेटिक, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।